श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष रसिक पीठाधीश्वर महंत जनमेजय शरण ने अपने आश्रम जानकी घाट बड़ा स्थान पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यमंत्री दिलीप ज्ञानदेव कांबले को मंदिर निर्माण न्यास का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं नवनियुक्त उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री दिलीप ज्ञानदेव कांबले ने कहा कि पहली बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं और राम लला का दर्शन पूजन कर मेरा जीवन सफल हो गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जल्द भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो, यही मेरी कामना है। ये बातें महाराष्ट्र सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे ज्ञानदेव कांबले ने जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जनमेजय शरण से मुलाकात के दौरान कही। वहीं राम मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष जनमेजय शरण ने उन्हें न्यास का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया है। महंत जनमेजय शरण ने कहा कि हम सभी संत महंत अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि बहुत खुशी है कि पूर्व राज्य मंत्री दिलीप कांबले को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और इससे हम सबको संबल मिलेगा और हम सब एकजुटता के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए कटिबद्ध रहे। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, जबकि हम शुरू से ही राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद का दायित्व हमें महाराज जी के आशीर्वाद से मिला है। देश के हर एक व्यक्ति की जो आस्था है वो प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई है। प्रभु रामचंद्र जी आदर्श राजा थे, आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र और आदर्श पति थे और उन्होंने जो अपने जीवन से इस देश के हर एक व्यक्ति को जीने की जो राह बताई, उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो काम किया, यहां तक कि राजा होने के बावजूद अपने माता पिता से आदेश होने के बाद वो वनवास भी चले गए, कि कई साल पहले का जो मसला था, यहां जटिल प्रश्न था, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उसमें भी निर्णय दिया है और इसी तरह आगे चल के भी अयोध्या में जो श्री राम जी की जन्मभूमि है वहां पे भव्य दिव्य मंदिर जरूर बनेगा। आज हम इस संगठन के माध्यम से जो भी हमसे बन पाएगा वो हम इस मंदिर निर्माण के लिए करेंगे। हम जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम शुरू से ही इस कार्य में जुटे हुए थे और आगे चल के जो आज दायित्व भी मिला है तो इस दायित्व का ठीक तरह से निर्वहन करके जो जो कार्य हमें सौंपा जाएगा, जो जो आदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आएंगे उस सब। किसको मनोनीत किया आपने? दिलीप ज्ञानदेव कांबले जी महाराष्ट्र सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे दिलीप कांबले साहब, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के कोर कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद में मनोनीत किया गया। आज पूर्व से सदस्य थे लेकिन विशिष्ट पदाधिकारी के रूप में आज सर्वसम्मति से इनको चयन किया गया। तीन माननीय आत्मानंद सरस्वती जी, सरस्वती जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी, दूसरे में श्री संतोष मिश्रा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तीसरे में
श्री कांबले साहब हैं, दिलीप कांबले साहब, तो इस प्रकार से हमारे सहायक 5 या 7 के रूप में उपलब्ध रखे जाएंगे, जिसमें अभी 3 मनोनीत किए गए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय और भी बहुत से सदस्य हैं, जो क्रमशः हमारी आवश्यकता के अनुसार और इलाज के नियमानुसार उन लोगों को मनोनीत किया जा रहा है, किया जाएगा। में मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास के सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।